सावन में मक्का वाले सऊदी का सीना फाड़ कर बाहर आए भोलेनाथ। अरब देश ने मान लिया हिंदू उनके पूर्वज हैं, तो मुस्लिम देशों में मची खलबली। अरब देश के सुनने वालों, इस रिपोर्ट को मत देखना वरना मिर्ची लग जाएगी। जी, इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले सऊदी अरब में भगवान भोलेनाथ आ गए हैं। सावन के महीने में खुद भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं और पूरी दुनिया को हिला डाला है। दरअसल सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है और साथ में यज्ञ वेदी भी मिला है। यहाँ मिले हुए अवशेषों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र बने हैं, जिनको देखकर सऊदी अरब ही नहीं हर मुस्लिम देश हैरान और परेशान भी है। सऊदी अरब के सबसे पुराने शहर में मंदिर निकलने की सूचना मिलते ही सभी मुस्लिम देशों में खौफ फैल गया है। हर कोई सोच रहा है ऐसा हुआ तो आखिर कैसे, मगर ये तो सच्चाई है जो सालों बाद सामने आई है। और सच तो कड़वा होता ही है। सनातन धर्म इतना फैला हुआ है कि पूरी दुनिया में जहां भी खुदाई की जाएगी वहां सनातन धर्म से जुड़े मंदिर और मूर्तियां ही बाहर आएंगी। आपको बता दें कि यह मंदिर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम इलाके में बसे शहर अल्फा में निकला है। खुदाई में सिर्फ मंदिर ही नहीं और भी कई हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं। इस मंदिर की खोज सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन द्वारा की गई, जो कि सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविदों का एक संगठन है। खुदाई में मिला कि यह मंदिर लगभग 8000 साल पुराना बताया जा रहा। मंदिर के साथ निकला पूरा शहर और कई हैरान करने वाली चीजें। मंदिर के अलावा यहाँ इंसानों की भी एक बस्ती मिली है। बस्ती को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जगह सालों पहले इंसानों का इलाका हुआ करता था और वे सभी लोग सनातन धर्म को मानते थे। खुदाई में मिले अवशेषों पर बनी कलाकारी में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग भी साफ देखी जा सकती है। ये बस्ती नवपाषाण काल की होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मंदिर के पास ही वेदी यानी वेदों के प्राचीन चिन्ह भी सामने आए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। ऐतिहासिक स्थान के सर्वेक्षण के लिए हो रहा सबसे हाई क्वालिटी तकनीक का इस्तेमाल। पुरातत्वविद यहां सर्वेक्षण के लिए हाई क्वालिटी की एरियल फोटोग्राफी, कंट्रोल पॉइंट के साथ ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी जगह पर मंदिर मिलना पूरी दुनिया के लिए चौंका देने वाली खोज है। वहीं मंदिर के पास मिली वेदी को लेकर पुरातत्वविद कहते हैं कि यही वो सबूत है जिससे साफ हो जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग पूजा और अनुष्ठान किया करते थे और सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। मंदिर के अलावा बस्ती, बाजार और आश्रम भी खुदाई में बाहर आए। खुदाई में मंदिर के अलावा एक बस्ती, बाजार और आश्रम भी मिले। सनातन धर्म कहां तक फैला था भी ये बताने की जरूरत नहीं। इसका जीता हुआ उदाहरण सऊदी अरब से खुद सामने आ गया। एक मुस्लिम देश में 8000 साल पुराना मंदिर निकलना किसी कल्पना से कम नहीं है। हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में फैले थे, वो सनातन धर्म का प्रचार करते थे, पर कभी किसी देश को गुलाम बनाकर उसे लूटा नहीं और न ही उस पर राज किया। अब सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में बाहर आए भगवान भोलेनाथ के इस 8000 साल पुराने मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज़।